सिविल और डिफेंस दो पेंशन पाने वाले फैमिली पेंशनर्स को कितनी मिलेगी अधिकतम फैमिली पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा समय समय पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी जाती हैं, और इसी के संबंध में एक जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सिविल और डिफेंस दो पेंशन पाने वाले फैमिली पेंशनर्स को अधिकतम कितनी पेंशन मिल सकती है इसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी और पति जिसे दो पेंशन यानी कि अर्थात सैन्य और सिविल पक्ष से मिल रही हो, उनकी दशा में लागू फैमिली पेंशन की कुल रकम की अधिकतम सीमा क्या होगी। तो दो फैमिली पेंशन पाने वालों को कितनी अधिकतम फैमिली पेंशन मिल सकती है सिविल और डिफेंस दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पर कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 18 और 19 क्रमशः सिविल और सैन्य पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों पर लागू होते हैं। दूसरे शब्दों में सिविल सेवा में किसी सैन्य पेंशन भोगी के पुनर्नियोजन के मामले में सेवा के दूसरे कार्यकाल के लिए पेंशन संबंधी हितलाभ केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के नियम 18(3) के उपबंधों के अनुसार किसी भी सीमा के अधीन नहीं होंगे। चूँकि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के नियम 19 के अनुसार सैन्य सेवा करने के पश्चात सिविल सेवा में पुनर्नियोजित कर्मचारी के लिए सैन्य सेवा से मिलने वाली पेंशन की कोई सीमा नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में फैमिली पेंशन के लिए भी कोई सीमा नहीं है। यानी कि जो अधिकतम फैमिली पेंशन की कोई सीमा यहाँ पर नहीं है, डिफेंस के जो सर्विस है उसके लिए अलग से फैमिली पेंशन मिलेगी और सिविल के लिए जो सर्विस की है उसके लिए अलग से फैमिली पेंशन मिलेगी। तो इन दोनों पेंशनों को मिलाकर कोई भी सीमा यहाँ पर फिक्स नहीं है, जितनी जो नॉर्मल फैमिली पेंशन बनती है वो दोनों की ही बनती रहेगी और उसका भुगतान फैमिली पेंशनर्स को किया जाता रहेगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट और यूजफुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।